उसको काफी सरल किया गया है, यहाँ के तुरंत 25% बिना सर्वेक्षण के मिल जाएगा और मोबाइल से उसका फोटो लेकर के तुरंत कार्रवाई होगी एक खेत का। ये सब लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये सब जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन कानून में जितना विस्तृत रूप से सुविधाओं को ध्यान दिया गया है ये तो बहुत अच्छा है किसान के। इसमें राम बाबू जी जून से लागू होगा जबकि ये रबी फसल गर्मी की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है तो इसका मुआवजा तो नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों के मन में ये शंका है कि ये राजनीतिक संकट को ज्यादा हल करने के लिए बजाय किसानों को दुष्कोण में। देखिए अगले पहले तो जो कवर था वो तो था ही था, अब जो नया कानून बना है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। और जहां तक चुनावों के दृष्टि में रखकर बात करते हैं तो कौन ऐसा साल है जब चुनाव नहीं है किसी न किसी राज्य में, सालों भर तो चुनाव होते ही है हमारे यहाँ। तो आप कहेंगे पार्टी है जो चुनाव को ध्यान में रखकर ऐसा करती नहीं है, आप कहेंगे कि चुनाव को देखकर नहीं करी तो कभी कर ही नहीं सकते। और यदि चुनाव अच्छे काम का चुनाव में लाभ मिलता है ये भी कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति तो अच्छे काम की उम्मीद तो पार्टियों से इसलिए की जाती है आप अच्छा काम करिएगा हम आपको वोट देंगे, तो अच्छे काम का लाभ भी राजनीतिक दल को मिले इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतना एक बात की जरूरत नहीं है, ये आगे इसको देखने की जरूरत है। और जो काम हुआ है जो शुरुआत की है ये किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, किसानी के लिए भी ये युगांतकारी और क्रांतिकारी कदम है और इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।